खय्यूम भाई। बच्चों को माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन खय्यूम भाई क्रिमिनल ही पैदा हुआ था। जन्म के वक्त बच्चा रोता है, पर यह हंस रहा था। दूसरों को रुलाने के लिए राक्षसों के सींग होते हैं, पर यह बिना सींग वाला राक्षस है, जिसका खौफ चारों तरफ फैल चुका है। ऊपर वाला बिना बताए मारता है, पर यह बताकर मारता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात उसे जन्म लेना पड़ता है, यह शाश्वत सत्य है। संभवतः मनुष्य इसे भूल चुका है। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने तलवार से लोगों को काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, ऐसा डर सबके अंदर बैठा हुआ है। यहाँ आंध्र प्रदेश में और उसी तरह तेलंगाना में अभी तक किसी भी गैंगस्टर ने इस तरह राज नहीं किया है। आज वो नक्सल एनकाउंटर का शिकार बन गया है। सारे हमलों की वजह उसे ही माना जाता है। पिस्तौल पर भरोसा करने वाला आखिरकार आज वो उसी से मारा गया। हटो यार, हट जाओ, क्या कर रहे हो? चलो, स्कूल की घंटी सुनते ही जैसे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही 7 बजते ही एफएम सुनने चला जाता है।
इस टाइम पर उस लड़की का प्यार को फिर कर नाम का एक प्रोग्राम आता है और उस लड़की से अपना दोस्त प्यार करता है। देख रहे हो इसे, जैसे 15 अगस्त के दिन लोग झंडा पकड़ के खड़े रहते ना, वैसे ही एफएम रेडियो पकड़े हुए है। गुड मॉर्निंग हैदराबाद। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। स्कूल वेदर में हॉट टॉपिक को लेकर आ गई है माया। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो टॉपिक है प्यार करो, प्यार को फील करो। क्या बात है, इस दुनिया में सभी लोग बहुत बिजी हैं। कोई अपनी जॉब में, कोई स्टडी में और बहुत से लोग अपने अपने बिजनेस में। इतनी बिजी लाइफ में भी हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए तो टाइम निकाल ही लेता है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो क्या है? लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार। इसलिए तो हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है प्यार करो, प्यार को फील करो। धूप में बिना चले रह सकते हो, बारिश में बिना भीगे रह सकते हो, पर प्यार में धूप और बारिश नहीं देखी जाती। वाह, क्या कहा अरे, है क्या, क्या उसने? वो तुम्हारे जैसे गधे नहीं समझेंगे, चुप हो जाओ। असल में ये प्यार होता क्या है? प्यार कैसे किया जाता है? अगर आपको ये बात जाननी है तो आपको हमारा पूरा प्रोग्राम सुनना होगा। आपको अगर आपके प्यार के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर फोन कीजिए। और नंबर है, यार पेन है क्या? अरे तो पेन तो भी ना। अरे हर्षिता, यहाँ हो तो। तुमने मुझे बुलाया? पेन है क्या? पेन? मुझे लगा तुम कुछ और मांगोगे। पेन है या नहीं? पेन तो नहीं है, लिपस्टिक है, ले लो। और हमारा नंबर है 0406626166। देखो इसे, मैं इससे प्यार कर रही हूँ और ये मुझे छोड़ के किसी और लड़के के पीछे पड़ा है। अरे बिरयानी सामने है, उसे छोड़कर दाल चावल के लिए भटक रहा है। ऐसे ही रेडियो से प्यार करते रहे तो कल टीवी से भी प्यार करने लगोगे। और जो मिला ही नहीं उसके लिए परेशान होने से अच्छा है कि जो मिला है उसी से खुश हो जाऊं। बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो हमला कर दूंगा। अब हमारे कॉलर हमारे साथ है, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम राम है। बोलिए राम जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। ओके, उसके दो बच्चे भी हैं। हाँ? मैं दोनों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। आप तो काफी ग्रेट हैं जी, पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसके पति के साथ हमारी प्रॉब्लम। हाँ? वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर राम जी, आप में अक्ल है क्या? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मैडम? शादीशुदा लड़की का पीछा छोड़िए, कोई अच्छी सी लड़की से प्यार कीजिए और शादी करके हैप्पीली जिंदगी बिताइए, बाय। अब हम अपने दूसरे कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, बोलिए। आई लव यू जी। ये कौन है आई लव यू बोलने वाला? पर मैं तो आपको जानती भी नहीं। पर मैं आपको जानता हूँ ना, रोज आपको देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। ओह, तो आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? आप बहुत सुंदर हैं, उससे ज्यादा तो क्या चाहिए? मैं सुंदर हूँ इसलिए प्यार करते हो, अगर बदसूरत होती तो नहीं करते ना। सुनिए, जब फल लेने के लिए जाते तो अच्छे दिखने वाले फल लेते, खराब फल नहीं लेते ना। मार्केट के फलों के साथ आप प्यार को कैसे जोड़ सकते हो? कितने घटिया लवर हो आप। एकदम सही कहा। वैसे भी आपको बोल के क्या फायदा, आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं। आप जैसे लोगों का एक लड़की से काम नहीं चलता। आपको पता है एक लड़की प्यार करने के लिए एक लड़के में क्या ढूंढती है? नहीं पता, आप ही बता दीजिए। भागमती के लिए चार मीनार, मुमताज के लिए ताजमहल जैसी कोई इमारत बनाने की जरूरत मतलब? नहीं है। आप उनसे कितना प्यार करते हैं बस ये उन्हें महसूस करवा दीजिए। वो मैं करवा सकता हूँ। आपने भी सुन लिया है ना दोस्तों, आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है, कल के प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। क्या यार, ढंग से सुन भी नहीं पाया। कल जब तू आई लव यू कहेगा तो तुझे भी ऐसा ही लेक्चर सुनाएगी। लेक्चर भी सुनाएगी, आई लव यू भी कहेगी, तुम लोग सुन लेना। पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटा नाश्ता करके जाओ, मुझे भूख नहीं है पापा, ऑफिस में खा लूंगी। ऐसे नहीं जाते बेटा। अरे बेटा कुछ तो खाती जा। हाँ? क्या बात है, आज आप दोनों बहुत प्यार बरसा रहे हैं। हाँ? किसकी फोटोग्राफ्स हैं ये? ये कुछ लड़कों के फोटोज हैं बेटा। किसके लिए? तुम्हारी माँ के लिए, इसकी दोबारा शादी करवाना चाहता हूँ। क्या सच में? तुम तैयार हो? अब इसकी बात सुनो, शादी की उम्र की लड़की घर में बैठी है और ये शादी करना चाहती है। पापा मैंने कितनी बार बताया आपको, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप ही के साथ रहना है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए बेटा। देखो बेटी, मैं ठहरा एक कांस्टेबल, 6 महीने में रिटायर हो जाऊंगा। जब तक सर्विस में हूँ कहीं से पैसा लेकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसलिए तो नहीं करनी, लड़का जवान हो जाता है उसे जॉब करने को कहते हो, अगर लड़की जवान हो जाए उसे शादी करके घर से भगा दो। ये कैसा कल्चर है पापा।
मुझे पढ़ाने के लिए आपने कितनी मेहनत की, अब शादी करने के लिए भी कर्जा लोगे? मैं शादी करके पति के साथ चली जाऊंगी, उस कर्जे को चुकाने के लिए आप फिर से तकलीफ झेलोगे, ये मुझे पसंद नहीं। अगली बार अगर शादी की बात की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चाचा चलिए ऑफिस चलते हैं। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या करूं चाचा, वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे तो जिस उम्र में जो चीज होनी चाहिए वो तो हो जानी चाहिए ना। चाचा अब आप भी चलो। ठीक है चलो, ट्राई करो यार, प्लीज यार, ट्राई करो यार। ओके कैरी ऑन कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग हैदराबाद, आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम, इट्स हॉट गुरु। आज हमारे प्रोग्राम में पहला कॉलर कौन है देखते हैं। कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ। ए कनेक्ट सिर्फ फोन हुआ है, लड़की नहीं, समझा? तू चुप हो जा यार। हेलो। हेलो बोलिए प्लीज। जी आपको फोन लग गया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। किसी हीरोइन को कॉल लग गया है कि जो आप इतना खुश हो रहे हैं? आप मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। मेरा नाम सत्या है, हाइट 6 फीट, वेट 62, माँ का नाम सावित्री और पापा का नाम रामाजीराव। ये कोई मैरिज मैट्रिमोनी है क्या? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वैसे आपने कॉल क्यों किया है ये बताइए। मेरे प्यार के बारे में। मतलब? अरे वही कहना है, मेरी लव स्टोरी बतानी है। हाँ तो बताइए ना। दरअसल मैं एक लव प्रेमी हूँ। है? अरे लव प्रेमी नहीं है रे, वो एक पागल प्रेमी है। वही वही, आई एम सॉरी, मैं एक पागल प्रेमी हूँ। हाँ आगे बोलिए। इस दुनिया में आपको फ्रॉड करने वाले बहुत मिलेंगे, पर प्यार करने वाले नहीं मिलेंगे। मैं एग्जाम में भले ही फेल हो सकता हूँ, पर प्यार में कभी फेल नहीं हो सकता। मेरे दिल में छुपा दर्द उसे सामने लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फोन लगाया। मेरे दिल की कहानी सबको सुना सकूं, ताकि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकती हैं ना? आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, डिटेल में बताइए प्लीज। मेरी प्रेम कथा सुनकर पत्थर भी रो पड़ेंगे। ओके 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 ओके, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ हैं एक लव सॉरी एक पागल प्रेमी, वो अपनी लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? वो मेरे पढ़ने के दिन थे, मैं वायलिन सीखने के लिए क्लास जाता था। तब आसमान से एक लड़की उतरी, उसने बुरखा पहना था, ब्लैक बुरखे में उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर रखी हो। हाँ ये कैसा एग्जांपल है? ओफो, आप ऐसे बीच में डिस्टर्ब करेंगी तो मेरा फ्लो चला जाएगा। ओके ओके ओके, बताइए बताइए। तभी उसकी आंखों में मुझे रोशनी दिखाई दी। किसकी? प्यार की। सुनिए सुनिए, बहुत ही अलग अंदाज का है ये प्यार, सिर्फ लड़की की आंखें देखकर इन जनाब को उनसे प्यार हो गया, पर वो लड़की इनसे प्यार करती है या नहीं करती, अगर आप जानना चाहते हैं तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये इतनी कमोशन कैसे हो सकती है? या हेलो बोलिए। ये क्या, मैं इतनी सीरियसली अपनी लव स्टोरी सुना रहा हूँ और आप एड प्ले कर रही हैं, ये गलत बात है। ओह सॉरी सॉरी, हर 5 मिनट में एडवर्टाइजमेंट प्ले करना हमारी कंपनी का रूल है, आप कंटिन्यू कीजिए। उसकी आंखें देखते ही मुझे प्यार हो गया। क्या हुआ, तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? तेरी लव स्टोरी में इतना कुछ होगा ये हमें पता नहीं था। तू सच में महान प्रेमी है यार। वैसे भी अपने दिल में इतना दर्द रखकर हमारे साथ रोज बिरयानी खाने कैसा जाता है। बस भी करो यार, इस कहानी में सारी बातें जो बताई गई हैं वो सच नहीं हैं और ना ही किसी को सोच कर बताई गई हैं। मतलब तूने जो बताया वो सारा झूठ था? अरे वही तो कह रहा हूँ। यानी वो गाना भी झूठा था और वो लड़की भी झूठी थी? यार माया को पटाने के लिए एक छोटी सी लव स्टोरी बना दी मैंने। सुनो फोन आ गया। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, पर्सनली बात करनी है। तो मैं रेडियो स्टेशन आ जाऊँ? लड़कियों को रेडियो स्टेशन या रेलवे स्टेशन नहीं मिलते। तो फिर कहीं अकेले में मिलते हैं? ज्यादा इमोशनल मत हो। तो मंदिर में मिलो? उतना डिवोशनल भी नहीं। तो तुम ही बता दो। तो फिर आप मेरे घर आ जाइए। घर पर?
क्यों, हिम्मत नहीं है क्या? एड्रेस नहीं है जी। सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो मजा नहीं आएगा। एड्रेस पता कीजिए और आ जाइए। आई एम वेटिंग। या आई एम कमिंग। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम सत्या है, माया का दोस्त हूँ। ओह अच्छा, आप अंदर आइए। शुक्रिया। माया? माया ने तुम्हें कितने दिन पहले फोन किया? 2 दिन हुए। उसी दिन से हमारी बेटी गायब है। आपकी बेटी गायब है? आपने पुलिस कंप्लेंट की? मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, अपने ही थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। कुछ पता चल जाएगा तो बता देंगे, ऐसा कहा है। उसके बाद हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की मैंने, डिपार्टमेंट के सारे लोगों से मिल लिया, आखिर में होम मिनिस्टर से भी मिला। बहुत रिक्वेस्ट की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। चुप हो जाओ, अगर रोने से लड़की मिल जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ रोने लगता। शादी करने को कहा तो बोली, पापा अगर आप शादी की बात करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन सुबह उसने कहा था, पापा मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, उसका नाम है सत्या, ACP की ट्रेनिंग कर रहा है, बोली थी। ये सुनकर हम बहुत खुश हो गए। उसने कहा घर पर बुलाया है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा होगा मुझे पता नहीं था। लड़की से मिले? सत्या वेट, क्या हुआ? सत्या क्या हुआ? अरे हमें तो लगा कि तू उछलते हुए आएगा, लेकिन तू तो मुंह लटका के आ गया। तू उस लड़की से मिला था क्या? देखा कैसी है वो? अरे तू उस लड़की से घर पर मिला या बाहर मिला? सुनो, नहीं मिला, वो घर पर ही नहीं थी। क्या हुआ? तुमने जिस जोश के साथ मुझे भेजा था, मैं भी उसी जोश के साथ उसे मिलने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तब उसके माँ बाप मुझे वहां रोते हुए मिले। 2 दिन पहले वो रेडियो स्टेशन पहुंची जरूर थी पर वापस घर नहीं आई। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो सत्या, तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ए, तू खुद गुड न्यूज के साथ लौटेगा तो हम भी तुझे एक गुड न्यूज देंगे। हम सब लोगों की पोस्टिंग हैदराबाद में हुई है, हम सब हैदराबाद में ही रहने वाले हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब मिलकर उस लड़की को ढूंढ लेंगे। वो लड़की हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन। यस सर, ये है हमारे नए ACP सत्या। दुर्गा सर। विजया सर। शर्मिला सर। मैं श्रीराम सर। जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो अपने हाथ ऊपर उठाए। गुड। दुनिया के हर चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ के दूध में कभी मिलावट नहीं हो सकती। Am I right? Yes sir. एक माँ के पेट से जन्म लेकर उसी माँ का दूध पीकर बड़े हुए हम सब लोग, अगर वाकई अपने माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने से कभी नहीं डरेंगे। अपनी भारत माता का, अपने देश का ख्याल अपनी माँ की तरह ही रखेंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। इसे लेक्चर समझोगे तो पछताओगे। तुम में से कोई भी करप्ट निकला तो उसे करेक्ट करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हेड कांस्टेबल रामाराव सर। हमारे जोन में हुए सारे क्राइम की रिपोर्ट्स लेकर अंदर आइए। सर। सर। ये क्या है? आपसे तो क्राइम की रिपोर्ट मांगी थी, आपने ये थमा दिया? सारी क्राइम रिपोर्ट धूल मिट्टी में जमकर शायद गोडाउन में सड़ रही होंगी सर। ढूंढ रहे हैं सर, पर मिलेगी या नहीं मिलेगी बता नहीं सकते। रामाराव जी, पहले ये कवर देखिए सर। इस्तीफा? उम्र में बड़े हैं आप, पहली बार किसी युद्ध में जाने वाले सैनिक के सामने ऐसी अशुभ चीजें नहीं लानी चाहिए, ये पता नहीं आपको? युद्ध करेंगे? किसके साथ करेंगे आप युद्ध सर?
अगर दूसरे देश के दुश्मन हमारे देश पर हमला करेगा तो बचाने के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा सर। अगर अपने ही देश के लोग अपने ही देश में दंगा फसाद, चोरी चकारी, मर्डर, रेप, किडनैप करने लगेंगे तो उन पर कैसे हमला करना चाहिए सर? उन पर तो कुत्तों की तरह हमला कर देना चाहिए। पर हमें कुछ भी करने नहीं देते सर। आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा सर, मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है सर। मेरी एक ही इकलौती बेटी थी, उसका किडनैप हो गया, पर एक ने भी मदद नहीं की। मैं भी पुलिस में ही हूं सर, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अब मैं इस्तीफा देने के अलावा और क्या करूं सर? रामा राव जी, माया आपकी बेटी है, लेकिन मैंने उससे प्यार किया है। मरते दम तक मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। माया मेरी जिंदगी है, ये बात समझ लो आप। और मेरी जिंदगी को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। माया मुझसे दूर नहीं जा सकती है। गुड मॉर्निंग सर, एनी प्रॉब्लम? आप कौन है? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। यहाँ माया नाम की रेडियो जॉकी काम करती थी? करती थी। आपको पता है वो गायब हो गई है? पता है सर। आखिरी बार वो कब आई थी? मई 1st को आई थी सर। सेकंड डे नहीं आने पर इंक्वायरी किया तो पता चला कि मिसिंग है। आपके यहाँ कोई उसे हरास तो नहीं करता था? ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ सर। वो कौन कौन से प्रोग्राम करती थी? बहुत सारे प्रोग्राम करती थी सर। आखिरी बार जो प्रोग्राम किया था वो सुनाइए। आइए सुनाता हूँ। वो लास्ट प्रोग्राम सुनाओ। ओके सर। गुड मॉर्निंग हैदराबाद। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है खय्यूम भाई। नक्सल से गैंगस्टर बने, शहर में इनके आतंकी हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीच रास्ते में इन्होंने किसी को बेरहमी से मार डाला। और ये सब कुछ करने वाला खय्यूम है, ये सब मालूम होने के बाद भी ना लोग कुछ कहना चाहते हैं और ना ही पुलिस कुछ रिएक्ट कर रही है। गवर्नमेंट उसकी मुट्ठी में है, पुलिस और पॉलिटिशियंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सर, कुछ पता चला क्या? उसी की इंक्वायरी चल रही है। माया का कोई फोटो है क्या? है ना बेटा, उसके कमरे में है। आप यहीं रुकिए, मैं देख लूंगा। नायक, इसी एरिया से माया किडनैप हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। सच में? तुम्हें कैसे पता? हम टीवी वाले हैं, हमें नहीं तो किससे पता चलेगा? तू खलनायक मत बन, शांत रह, समझा? भूल गया। बोलो विनायक। हाँ नायक। अरे बोलो ना। यहाँ कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं, मैं उनसे जाकर पूछता हूँ। जल्दी जाकर पूछ। ओके। कोई भी क्लू मत छोड़ना। बंदर हिल चलोगे क्या? अरे हम ऑटो रिक्शा करने नहीं आए, इंटरव्यू लेने आए। तू पीछे जा। तो तुमने तो कहा ही नहीं। सर, आपका नाम क्या है? रजनी है जी। मतलब तुम रजनीकांत के फैन हो? जी हाँ, उनकी मूवी देखने के बाद ही मैंने ये ऑटो खरीदा। दिन भर में आप 2-3 हज़ार तो कमा ही लेते होंगे। ऑटो वाले के बारे में नहीं पूछ रहा है, उस लड़की के बारे में पूछो। नायक, तुम्हें नहीं पता, ऑटो वाले के पास जाकर डायरेक्टली सवाल पूछेंगे तो वो लोग जवाब नहीं देंगे। मैं इसीलिए उसे पटा कर पूछ रहा हूँ। ओके, अच्छा बताइए, इसी एरिया में रहने वाली माया का किडनैप हुआ है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए ना सर, मेरे कहने से क्या कुछ होगा? माया की किडनैपिंग तो हो ही गई ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, उस माया के बारे में आपको कुछ पता है? FM रेडियो में काम करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, रोज यहाँ आती थी वो, और मैं अपने ऑटो से उसे रेडियो स्टेशन छोड़ता था। नायक, एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली है। वेरी गुड, वो है क्या? माया नाम की जो लड़की थी वो हर रोज एक ही ऑटो में ट्रैवलिंग करती थी। चरण, मीडिया वाले को भेज दो, ऑटो वाले को लेके आओ। ए, इंटरव्यू बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या है, आप ऐसे मीडिया पर दादागिरी नहीं दिखा सकते। नायक, बोलो विनायक। हम यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पर पुलिस हमें ड्यूटी करने नहीं दे रही है। ओवर टू स्टूडियो। क्या हुआ था सब, सर को बताओ। नमस्ते सर। इस एरिया में कब से ऑटो चला रहे हो? 10 सालों से चला रहा हूँ सर। माया को जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं रोज उसे अपने ऑटो से ही रेडियो स्टेशन तक छोड़ने जाता था।
कुछ दिनों से माया गायब है, तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो, जो है सच बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन माया गायब हुई वो तुम्हारी ऑटो में थी ना, उस दिन वो ऑफिस नहीं पहुंची। उस दिन क्या हुआ था मुझे बताओ। वो क्या है साहेब? सुनो, घर में जब एक छोटा सा सामान खो जाता है तब हमें इस बात का कितना दुख होता है, और यहाँ तो किसी की बेटी गायब हुई है। बोलो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताता हूँ साहब, उस दिन रोज की तरह हम ऑटो से जा रहे थे। अरे रुको, अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे ना। देखिए साहब, बीवी बच्चों वाला हूँ मैं। सर कौन है जानता तू? एसीपी है वो, अंदर डाल देंगे, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा। चरण, आप हमसे बड़े हैं, सच बोलिए, आपकी रक्षा जान देकर भी करूंगा। बताता हूँ साहब, उस कयूम ने ही अपने आदमियों को भेजकर माया का किडनैप करवाया है साहब। कयूम कौन है वो? भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई, मुझ पर दया करो भाई। मैं भगवान नहीं हूँ जो दया कर दूँ तुझ पर, और ना ही तू मेरा भक्त है। मार रे। नहीं भाई, मार मार, मुझे माफ कर दो भाई। मार कहा भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मुझे कयूम भाई को जिसने धोखा दिया उसने समझ लो जीने का मौका खो दिया। मार खुद को। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने किसी से सुना। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। जय बोलो गणेश महाराज की। कहाँ रहता है वो? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्यों रे सारे फोन ऑफ करके रखा है? रिकॉर्ड कर रहा है क्या? भाई यही शहर के नए एसीपी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्या। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब? मैं आपसे आकर मिला नहीं इसलिए, आप आ गए ना मुझसे मिलने, बहुत खुशी है मुझे साहब। ए साहब के लिए प्रसाद लाओ। प्रसाद नहीं तो और क्या चाहिए साहब? कहाँ है? अजीब बात है साहब, हमारे लोग मिस होते तो हम आते हैं आपके पास, पर यहाँ तो आप आए हैं हमारे पास। अच्छी बात है, ढूंढेंगे, ढूंढ लेंगे हम जरूर। हे अखयुम, इस लड़की को किडनैप तूने करवाया है, वो तेरे ही पास है, उससे मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करने वाला हूँ। अगर उससे कुछ हुआ ना तो सारी की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। नहीं नहीं साहब, नहीं। हेलो। ये सत्या, वहाँ क्या कर रहा है सर? ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए,
और तुम खयूम के घर पहुंच गए? प्रसाद लेने गए हो क्या? नो सर। फिर क्यों आए? सस्पेक्ट है सर, केस की इंक्वायरी चल रही है। एविडेंस है क्या? नहीं सर। एविडेंस नहीं है तो खयूम जैसे बड़े लोगों के घर कैसे चले गए? पहले तुम वहां से निकलो, वो एक इज्जतदार आदमी है, तुम खयूम को नहीं जानते। सर ए खय्यूम, तेरे पीछे बड़े बड़े लोग होंगे और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी होगा तुझे, लेकिन माया मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी को कुछ हुआ ना तो तू याद रखना, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस बात को समझ ले। खुदा हाफिज। भाई ठोक दो क्या इसको? ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? पुलिस के काम में अड़ंगा ना लगाएं, तभी हमारा काम चलेगा। लेकिन वो वार्निंग देके कैसे जा सकता है? हे, जब पेड़ छोटा होता है ना तो सीधा खड़ा रहता है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो झुक जाएगा। नया है ना, इसलिए अभी थोड़ा जिद कर रहा है, समय के साथ चलना सीख जाएगा। अरे यार मूड खराब कर दिया, अब तो गोवा जाना पड़ेगा मुझे। इज्जत करना चाहिए। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? जानू। बाबा कब आया? मैं हूं दे। और क्या कर रही है तू? अरे रे 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 रे, क्या लड़की है तू? हाँ, महल में बेगमों की तरह ऐश करना चाहिए तो तू यहाँ ऐसे खामोश बैठी हुई है? हा? और तुमने ये मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी एक लव स्टोरी भी है? देवदास, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सारी फिल्में मैंने देखी हैं। उनमें सारे लोग प्यार के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं। हाँ, पर वो अपने प्यार के लिए मुझे मारना चाहता है। वही तेरा लवर एसीपी सत्या, तुमसे प्यार करता है वो। इतना ही नहीं, तुमसे शादी भी करना चाहता है। तुम्हें अगर छोटी सी खरोंच भी आ गई ना तो मुझे मार देगा वो। अभी तक तो मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। तेरी तो चाहे तू कुछ भी कर, इसे मेरे लिए तैयार करना होगा। चर्बी चढ़ी है ना तुझे? तुझे तुम्हें मिर्च का जूस पिलाकर आज तुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी जलन हो रही है। लिपी, लिपी। अरे वहाँ देखो, बेटी हर्षिता क्या कर रही हो? मैं इसके साथ सपने में एक अच्छा सा गाना गा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? अरे तुमको छोड़ दिया तो ये सपनों में ही बच्चों का बाप बन जाएगा। ए, तू यहाँ कैसे? उसे भूख लगी है और तुम ही उसे कुछ खिला सकते हो। फ्रिज में एप्पल रखे हैं, जाके खा ले। ये तो समझता भी नहीं है। क्या हुआ, अर्जेंटली सबको बुला लिया तूने? वो खयू माया के साथ क्या करेगा ये सोचकर डर लग रहा है। माया को उसने कहाँ रखा है ये हमें पता करना होगा। ए, उस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स हमारे ही ऑफिस में है और वो सब मैं ही हैंडल करता हूँ। तो चलो चलते हैं। सुनो, हमारे डिपार्टमेंट में सैलरी के लिए कम और उसके पैसों से पलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं।
अब हम जो करेंगे हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, ऑफिस टाइम में नहीं हम लोग रात के समय चलते हैं। सही है। ये ऐसा क्यों है? पुरानी लाइब्रेरीज ऐसी ही होती हैं। अरे ये पुरानी लाइब्रेरी नहीं, मुझे तो कोई गोदाम लग रहा है। तू अपनी बकवास बंद कर, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया तेरी? सुनो, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैं नहीं कहता। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। सांप के सिर्फ दांतों में जहर होता है, पर इंसान पूरा जहर से भरा हुआ है, ऐसा किताबों में लिखा है। वो शायद इसे ही देखकर लिखा गया होगा। कोई भी उस सांपों को देखकर डर जाता है, पर वो लोगों को उसी सांप को दिखाकर खुश होता था। दूसरों के चेहरे के डर को देखकर उसे खुशी मिलती थी। बड़े होने के बाद यही लड़का एसआरआई में ज्वाइन हुआ। ए सलीम, क्या है? बोल, क्या हुआ? इस बैग में बेल्ट निकाल दे। तो तुम्हें बेल्ट देने के लिए एक चाहिए, बैग उठाने के लिए दूसरा चाहिए। अपना काम खुद किया करो, न जाने कब अकल आएगी इसमें। SLNS डिग्री कॉलेज से BCom करने के बाद RSU को ज्वाइन किया। ए सलीम, अब क्या हुआ? जरा चाय लेकर आना। अरे तो जाके पी लेना। हमें ये सब मांगे रखनी होंगी। मार्केट यार्ड के कामगारों के साथ काफी अन्याय हो रहा है, उनका हक उनको दिलाना पड़ेगा, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, कामगारों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। ए वेंकट, सुबह होने तक ये सारे पोस्टर अपने शहर में लगवा दो। ठीक है भाई, जाओ। चलो। क्या हुआ भाई? उस रघु ने मेरे पापा को बहुत मारा। किस लिए? अपने खेतों में पानी छोड़ने को कहा तो उसने अपने आदमियों को बुलाकर हमको बहुत मारा, मेरे पापा को भी मारा, और अब उनकी जान खतरे में है भाई जान। इस समय वो कहाँ मिलेगा? डियर कॉमरेड, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पूरा रास्ता आग के गोलों से भरा हुआ है, फिर भी हम वो सारे आग के गोलों को पार करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पर आज वापस एक मुश्किल आ पड़ी है। आईजी, ग्रे हॉर्न्स नाम के ग्रुप का निर्माण करके आज हम पर ही सवाल कर रहा है। इससे पहले कभी भी हमारे भाइयों ने अपना खून इस तरह नहीं बहाया। ये लड़ाई अपने लोगों के लिए है, ये हमारे आम लोगों के लिए है, और ये बात उन्हें हम अच्छी तरह समझाएंगे। भूख लगे तो नीचे देखना और प्यास लगने पर आसमान की ओर देखना, ऐसे दिन अब चले गए हैं। उन्हें ये समझना होगा। कॉमरेड, हमारा नारा ही तलवार बनेगी और धरती माता ही हमारी गोली बनेगी, और ये बात हमें उन पुलिस वालों को बतानी ही पड़ेगी। बताओ हमें क्या करना होगा? जिसने ये बनाया है उसे खत्म करना होगा। मैंने जिसके बारे में बोला था ना, वो यही है। नाम खयूम है, काफी अग्रेसिव पर्सन है, पीछे हटता नहीं और किसी से डरता भी नहीं। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, उसको तुमने भगा भगा कर मारा है ना? ऐसे गलत काम करने वाले काफी लोग हैं, और ऐसे ही लोगों को सजा देना हम सबका काम है। भीख में मिले वोट से जीतते हो और उसके बाद उसी पब्लिक के साथ गलत करते हो, अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। भ्रष्ट नेताओं को हम खत्म कर देंगे। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है ये बताओ। यादगिरी मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा है, वही हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आई कलिकल्मशनासी निकामिनी
वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते मंगलदाई। ब्लास्ट करना अभी ठीक नहीं होगा। आगे बढ़कर पीछे हटना मुझे पसंद नहीं। पकड़े जा सकते हैं। कोई बात नहीं, नायक के कहे अनुसार काम खत्म करके ही लौटेंगे। खयो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, जिद मत करो। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम। ये है इदैया, कॉमरेड दल का मुख्य नायक। लोगों की भलाई के लिए सारी पुलिस की गोलियों के सामने नसीना तान के खड़ा हूँ, और आज मेरे जैसे लोग जो दूसरों का भला सोच रहे हैं वही मिट्टी में मिल रहे हैं। इन सब का कारण कौन है? वो डीजीपी। चाहे जितने भी काले बादल छा जाए, सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकते। चाहे ग्रेहाउंड पुलिस वाले कितने भी आ जाएं, वो हम लोगों को कभी भी रोक नहीं सकते। कॉमरेड्स, उन सभी लोगों को रोकने के लिए हमें एक हथियार की जरूरत है। वो हथियार मैं बनूंगा। नायकों के बताए रास्ते पर चलने के लिए, अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वो लाल कलम मैं बनूंगा। शाबाश खयूम, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हमारे कॉमरेड्स को तुम जैसे दिलेर की बहुत जरूरत है। उसे मार कर बताना होगा कि लाल सलाम को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसे मारने के लिए धैर्य और पक्का प्लान चाहिए। वो प्लान क्या है मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं वॉक करके आता हूँ। ठीक है जी। करे जुल्म आए सितम किसी से ना खाए रहम, करम करम हिंसा करम दया धर्म हुआ खत्म। जुर्म ही करना लक्ष्य है इसका, लाश बिछाना कर्म है इसका, दहशत फैलाना पेशा है इसका, दहशत वहशत पेशा है। जैसे अंधेरे में रोशनी निकल कर आती है, वैसे ही खयूम को भी तवज्जो मिलने लगा। पीपल्स वॉर ग्रुप में एक व्यक्ति जैसे जुड़कर आज ताकत बन गया। दल और दल कमांडर, दल नायक तक बढ़ गया। खयूम की बहन दल के लोगों के लिए खाना बनाकर उनको भेजा करती थी। वो इदैया के घर उसकी पत्नी की मदद करती थी। जेल से कब आया? अभी आया। सब ठीक है ना? हाँ। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ? अरे मेरी बीवी अभी अभी कुछ काम से बाहर गई है। हाँ।
जा पानी लेके आ। हाँ। खय्यूम भाई। यह है खय्यूम का भाई अलीमुद्दीन। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? छोड़ मुझे, छोड़ नहीं मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी, छोड़। तू मेरे भाई को जानता नहीं है, वो तुझे जान से मार डालेगा, छोड़। मैं कह रही हूँ छोड़, छोड़ मुझे। रुक जा, छोड़ दूंगा। ये सब मेरे भाई को पता चला ना तो तेरी मुट्ठी काट डालेगा। रुक रुक, कहाँ जा रही है? हाथ रखा था तो उसका हाथ काट कर लेकर आना चाहिए था, ऐसे ही चला आया तू, उसकी लाश लेकर आ मेरे सामने। खय्यूम शांत हो जाओ, वो हमारे दल का बहुत ही खास आदमी है। तो उसे ऐसे छोड़ दे क्या? मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। खय्यूम हमें इस बात को नायकों को बताना होगा। इतनी गिरी हरकत की उसने, ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। क्या बात करोगे भाई, आप लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हो और अपने बेशरम लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर हम अपने ही लोगों को नहीं बचा सकते तो बाकी के लोगों की हिफाजत खाक करेंगे। इंसाफ के लिए जान दे देंगे, जरूरत पड़ी तो जान ले भी लेंगे। हम रोज ऐसा नारा लगाते फिरते हैं और जब हमारे किसी ने ऐसी हरकत की तो आप उसे सजा देने की जगह उससे बात करने की बात कर रहे हैं। हमें अपने उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं उससे बात करके माफ़ी मंगवाता हूँ, इस बात को यहीं खत्म कर दो। ऐसा नहीं होगा। खय्यूम भाई ने कह दिया ना, समझे तुम? अब जाओ, क्या करना है कैसे करना है हम देख लेंगे। इतने दिनों तक मैं समझता रहा कि मेरा भाई किसी से नहीं डरता, सब लोग मेरे भाई से ही डरते हैं। खय्यूम नाम एक डर का है, खय्यूम को धोखा देने वाला कभी नहीं बच सकता। ये झूठ है, हमारी बहन की इज्जत पर उसने हाथ डाला है और तुम चुपचाप खामोश अभी तक बैठे हो। अगर तुमसे नहीं होगा तो बता दो, मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगा, और नहीं मार सका तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। किसी को मारने के लिए सिर्फ हथियार की ही जरूरत नहीं पड़ती है, समय भी चाहिए। तुम उसे एक बार में मारना चाहते हो, मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता हूँ। देख लेना, मैं उसके खून से इस जमीन को लाल कर दूंगा। उसकी मौत के बाद ये पता चलेगा खय्यूम क्या है। ए, क्या रे बार बार जगह बदल रहा है? ए, पेपर लाया क्या? हाँ भाई। इधर ला। हाँ, ए तू पैसा लाया ना? लाया हूँ भाई। दे दे। जब आपस में सेटलमेंट हो सकता था तो नाटक क्यों किया? हाँ, अगर अगली बार ऐसा किया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। ए, तू घर पे आके मिल। मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला, तुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैं नहीं कहता, मैंने किसी से सुना है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। भाई ये खय्यूम ऐसा कैसे कर सकता है? उसे मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? उसने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है भाई। कल अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमें भी ऐसे ही मार दोगे क्या? गलत गलत बोल रहे हो भाई, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या पूछना है पूछ। मैं तुम्हारी बीवी के साथ गलत करूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं तेरा गला काट दूंगा। मैंने भी तो वही किया ना। तेरे साथ बात करना बेकार है, आज के बाद तू इस दल में नहीं रहेगा, हम नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। मैं भी यही बोलने आया था यहाँ पर, इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता था कि मैं लोगों की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहूं। लेकिन
क्या हुआ इस जगह पर? हम में से एक की बहन के साथ गलत करने वाले को मैंने सजा क्या दे दी? सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। लोगों का भरोसा टूटे उससे पहले ही मैं पुलिस के पास जाकर जुर्म कबूल कर लूंगा। तुझे पुलिस तक जाने कौन देगा? क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मार डालो मुझे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, सुन लो, ये खयूम लोगों के लिए अगर मरने को तैयार है ना, तो अपने लोगों के लिए हमेशा मारने के लिए भी तैयार रहेगा। मैं आज ही खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुझे जो कुछ भी करना है कर लेना, और मेरी गैर हाजिरी में मेरे भाई और बहन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो सबकी कब्र खोद दूंगा। खयूम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने उसे 7.5 साल की सजा सुनाई। जेल में ही उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से अपना दल बनाया और वहीं से अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगा। और फिर उस दिन जेल में क्या हुआ? टेंशन में दिख रहा है। वो ललिता और उसके आदमी सब लोग एक साथ आ गए हैं और उस पुरी के साथ मिलकर वो मुझे मारना चाहती है। खयूम को जिसने धोखा दिया, समझो उसको मौका नहीं मिलेगा। तू उसे मार दे, नहीं तो वो तुझे मार डालेगी। दुश्मन एक जहरीला सांप होता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए उसके फन उठाने से पहले तू उसे मार डाल। उसकी मौत इतनी भयानक होनी चाहिए जिसे देखकर उसके साथी भी कांप जाने चाहिए। ऐसी मौत जो किसी ने कभी न देखी हो, उसे मार डाल। इनका नाम ललिता है। ये एक गायिका है, पीपल्स ग्रुप की ये भी एक मेंबर है। ये गांव के लोगों का उत्साह बढ़ाती हैं। सर जी, सर जी, सर जी, आप अंदर हैं क्या? आ गई ललिता देवी। क्या है? जुबान संभाल के बात कर। मुझे मारने का प्लान किया ना? हाँ किया था। जो हमारे बीच में आएगा उसका यही हाल करेंगे हम। उसका चांस मैं तुझे क्यों दूंगा? तेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए ही प्लान बनाकर तुझे यहाँ तक बुलवाया है। छे, लानत है तुझ पर। लोगों के लिए लड़ाई शुरू की है और तू एक औरत को मारने के लिए चोरों की तरह यहाँ घुसाया है। मारना है ना तुझे? मार, मारना, मार। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। खयूम भाई ने जैसा कहा था उसी तरह ललिता को बहुत बुरी तरीके से उसके शरीर के 18 टुकड़े करके पूरे शहर में फेंकवा दिया गया। ये देखकर लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया। आप कह रहे थे कि वो अपने आप ही सुधर जाएगा, देख लिया ना, जेल में ही रहकर वो अपने लोगों को मरवा रहा है। आज उसके भाई ने ललिता दीदी को बेरहमी से मार दिया। मदद करने के बहाने वो आया और हमारा ही दुश्मन बन बैठा। तो अब बताओ, अब हम क्या करें? उसके बारे में हम सोचेंगे। हाय शोभा बेगम, क्या हुआ, याद आ गई? तुम्हारे जैसे आशिक को कोई औरत आसानी से नहीं भूल सकती बाबा। तेरी आवाज सुनकर सब भूल जाता हूँ। सच कहते हो तो सुनने जल्दी आ जाओ ना। भाई की मौत के बारे में सुनकर खयूम उनसे बदला लेने के बारे में सोचने लगा। 7.5 साल की सजा खयूम ने अपने अच्छे कामों की वजह से 6 साल में पूरी कर ली।
सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। सलाम बाबा। सलाम। बैठो बाबा। आपने मुझे बुलाया? कयूम, भाई की मौत की वजह से उसके गुस्से में, उसके दुख में नजरों से धुंधला पड़ गया है। उसकी वजह से काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्या हुआ बाबा? उस दल से लड़ने के लिए सिर्फ तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। अगर पानी में उतरोगे तो मगरमच्छ मार देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। पानी मगरमच्छ की ताकत है, उसी तरह वो दल एक महावृक्ष है। उसे अगर जड़ से खत्म करना है तो एक ही रास्ता है। पुलिस वालों को तुम हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा टारगेट तुम्हारा नहीं पुलिस वालों का टारगेट बन जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी कुछ कम हो जाएगा। करे जुल्म ढाए सितम, किसी पे ना खाए रहम, करम करम हिंसा करम, दया धर्म हुआ खत्म। नक्सल के जुर्म ही करना लक्ष्य है इसका, लाश बिछाना कर्म है इसका, दहशत फैलाना पेशा है इसका, दहशत वहशत पेशा है इसका। भाई 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 भाई। खिलाड़ी है वहशी बड़ा, ये जिंदगी मिटाने को मौत बन खड़ा, ये जो भी आए रस्ते में उसको ये मिटा दे, दिन दहाड़े रस्तों पे खून ये बहा दे। बेरहम राक्षस ये खूनी है दरिंदा, दुश्मन को छोड़े ना कभी ये जिंदा। दल को खत्म करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा उसने एक इंटरव्यू में भी कहा। कॉमरेड्स, हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की फोटो आज इतिहास के पन्नों में छपी है। अगर वो लोग देश के लिए लड़े हैं तो हम लोग भी देश के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं। पर आज इस दल के महावृक्ष को एक जहरीला कीड़ा लग गया है, वो है खयूम, जो आजकल हमारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है। काफी सारे अपने लोगों को हम गवा चुके हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। खयूम जैसे प्रजाद्रोही को सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। लाल सलाम। कॉमरेड्स, ये लड़ाई हमने आम जनता के लिए शुरू की है। इस लड़ाई के बीच आने वाले खयूम जैसे विद्रोही को एक कीड़े के जैसे मसल कर फेंक देना होगा। खयूम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ऐसे दुश्मन का क्या करना चाहिए। खयूम, देख लिया ना तुमने, वो सब लोग आज तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। जब से तुमने उनके नायक को मारा है, हर जगह वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में वो लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। खयूम भाई को मारना जंगल में हिरन के शिकार करना जितना आसान नहीं है, शेर के शिकार जितना मुश्किल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर आपकी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो लोग मेरे बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे, क्या करोगे? मार दूंगा।
कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने किसी से सुना है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। दहशत फैलाना पेशा है इसका, दहशत वहशत पेशा है इसका। भाई 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 कयूम भाई, भाई 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 कयूम भाई, भाई 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 कयूम भाई, भाई 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 कयूम भाई। ये अन्याय कब तक चलेगा? पुलिस के एनकाउंटर से जंगलों में अफरा तफरी मची है और हरे भरे जंगल खून से बिल्कुल लाल हो चुके हैं। उनके गोलियों से हमारे कितने आदमी मर रहे हैं? पूरे जंगल में वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी है भाई। कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये मालूम चलने से पहले वो लोग हमला कर देते हैं। हमारी खुफिया जगहों की जानकारी आखिर पुलिस तक कैसे पहुँच रही है? ये सब उस खयूम के दिए इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, और जब तक ये बात हमारे लोगों को पता चलती भाई, उन्हें बीच रास्ते में घेर कर मार दिया गया। वो तो बहुत बड़ा गद्दार निकला भाई। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर मौत भी कांप जाए भाई, मौत भी। सुनिए, साहब का फोन आया है। हाँ, साहब का फोन है, लाओ। नमस्ते साहब, आपने मुझे फोन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। बोलिए साहब। पुलिस लोगों के दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम जैसे गुंडे ही होते हैं। पुलिस के साथ दोस्ती करूंगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तुम जैसे गुंडों के साथ दोस्ती करूंगा तो रिटायर हो जाने के बाद फॉरेन कंट्री में सेट हो जाऊंगा। आपको वहां सेटल करने के लिए मुझे यहां क्या करना होगा साहब? एक लैंड डील सेटलमेंट करवाना है। घर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर रखता हूं साहब, अभी वहां पहुंचता हूं साहब। खैम, अकेले तुम्हारा वहां जाना शायद ठीक नहीं होगा। भाई, सांप के पास जहर की सिर्फ एक थैली होती है। मेरा सारा शरीर ही जहर है। मेरा सिर्फ ऊपर वाला बिगाड़ सकता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खयूम का पता चल गया है। हम उसे उठा ले भाई। जा, मैं आता हूं। ठीक है भाई। कहां गया? कार में तो नहीं है। लगता है आज फिर बचकर निकल गया। आज बचकर नहीं जाएगा वो, यहीं कहीं पर होगा। चलो ढूंढते हैं। अरे सजाराई गाली गोरी अम्मा, हाय हरे पपलू, इधर कैसे रास्ता भटक गया क्या हीरो? जानू, अरे जानू, बहुत गर्म लग रहे हो, कहो तो चल के ठंडा कर दो। तो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसी लगती है रे। आय हाय रे, लगता तू चार्ज नहीं, कल तेरे को चार्ज कर देती हूँ। आय हाय भाई, मुच्छर तो है पर बॉडी नहीं है। चलो ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? चुप रहो, हमारे साथ रुक जाना। अब चलो यहाँ से। जिस तरह मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, वैसे ही पुलिस मेरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा रही है। खयूम, तुमने उनके नायकों को मारा है, इस बार तो तुम बच निकले। पुलिस वाले कितनी भी मदद करें, पर उस दल के लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, याद रखना। नसीब हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए तुम कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। उसके बाद खयूम दुश्मन और पुलिस वालों से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों से भी पूरे 6 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया। और कितने दिनों तक मुझे ऐसे अंधेरे में रहना होगा बाबा? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे मरने तक ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या बाबा? या अल्लाह, परवरदिगार आलम, ऐसा क्यों समझते हो बेटा? ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है, उन पैसों से तुम महल बनाओ, फिर ये सरकारी लोग उस महल को संभालने में लग जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसी जमीन की कीमत आसमान छू लेंगी। जमीन का धंधा करो, क्राइम रेट बहुत बढ़ा है, मर्डर करो, लोगों के पास पैसे बहुत है, उसे छीनो, डराओ, धमकाओ, तुम चीज क्या हो इस दुनिया को दिखा दो, तब तुमसे नक्सल ही नहीं
ये दुनिया भी तुमसे डरेगी। अभी आएगा तभी आएगा खय्यूम, ये कहकर एक घंटे से बैठा रखा है यहाँ पर। मुझे और भी बहुत काम है। ऊपर जाना है तो जा। ए, धमकी दे रहे हो क्या? यहाँ धमकी वमकी नहीं मिलती है। कट्टू ऊपर, खय्यूम भाई ने वादा किया है वो जरूर आएंगे। क्यों भाई, तुम भले खय्यूम भाई आएगा लेकिन ये कहां से आ गई? अब क्या हमें सारी बातें इससे करनी पड़ेंगी जो खय्यूम भाई से करनी थी? 30 साल से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट का धंधा मैं एक मर्द की तरह कर रहा हूँ। इस समय तो खय्यूम भाई को आना था लेकिन ये कहां से चला आ रहा है? देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ सही कह रहे हो। राजन, तुझमें बहुत मर्दानगी भरी हुई है ना रे? हाँ है तो। तेरे जैसे मर्द का मैं कब से इंतजार कर रही थी रे। हे, तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी हसीन औरत तेरे सामने बैठी है और तू है कि ना मर्दों की तरह बातें किया जा रहा है। बकवास बंद कर जा। सच में चली जाऊँ क्या? छी, तुम सारे मर्द एक जैसे हो। इतनी आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास, तुम मेरा दिल ऐसे ही तोड़ दोगे? तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मस्त हूँ ना, चलेगा तू नाइट के लिए? धोखा मत देना, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। भाई ये गेटअप क्यों भाई? किसी पर भरोसा नहीं कर सकता इसीलिए ये गेटअप। क्यों रे, यही है वो लोग? भाई मैंने इन्हीं के बारे में बताया था। पैसे लेकर आए हो ना? हाँ लाया ना भाई। तू क्या देख रहा है, पेपर्स तो लेकर आया ना? पेपर्स दे और पैसे लेकर जा। लेकिन वो लैंड तो 50 करोड़ का है ना भाई? लेकिन तू उसे 25 में दे रहा है। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तूने ऊपर जाने का इरादा कर लिया है? अहिंसा परमो धर्म, ऐसा मैं नहीं कहता, गीता में राम ने कहा है। भाई राम नहीं कृष्ण। जो मैंने कह दिया वही वेदांत है। चल ला डॉक्यूमेंट दे, तू पैसे दे। पैसे लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो ये पैसे मेरे आदमी छीन लेंगे। चल जा। अब तू अपनी सुना। ये लैंड कितने में खरीदा? 25 करोड़ में भाई। और इसका वैल्यू उसने कितना बताया? 50 करोड़ भाई। तो बचे हुए 25 करोड़ मुझे दे दे। ठीक है भाई, देता हूँ। तो अब बता मुझे ये लैंड कितने में खरीदा? ऐसे देख क्या रहा है, बताना। 25 करोड़ में भाई। ये ले 25 करोड़ और लैंड मुझे दे दे भाई। क्या क्या बोला? खय्यूम भाई का कहना मतलब कानून का कहना। ए, डॉक्यूमेंट्स लेकर चलो सब। ठीक है भाई। राम बाबू तुम आगे चलो भाई, मैं पीछे से आऊंगा। ठीक है भाई। मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अच्छा है भाई। हाँ ठीक है ठीक है, भाई के आने के बाद बात करते हैं। ठीक है फोन रखो। हाँ समझ में आया। ए गोरी आंटी कहाँ जा रही है? अरे रुक, अरे अरे कहाँ जा? ओ, भाई चल। अरे ए, अरे अरे को बोला अरे, आंटी कहाँ जा रही हो बताओ तो सही। अरे भाई इसे समझाओ ना, ये जबरदस्ती अंदर आ रही है। ए कहाँ जा रही है? मुझे खय्यूम से मिलना है। अच्छा खय्यूम भाई से? भाई तुम्हारे होंगे, मेरे खय्यूम है। फिगर बड़ा मेंटेन किया है तूने। अरे रे 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 रे, पूरा का पूरा शरीर गदराया हुआ है। भाई घर में नहीं है, थोड़ा नाच देख ले क्या?
शर्म नहीं आती देख रहा है ऐसे तू? हम लोगों को शर्म आती तो हम गुंडे नहीं होते और तेरी जैसी सीना को छेड़ते भी नहीं। अब आई गई है तो थोड़ा डांस वांस दिखा दे बुलबुल। चल हट। ए, मेरे माइलेज के बारे में तुझे नहीं पता? मेरे एज के आगे तेरा माइलेज कुछ भी नहीं है। चल हट। तू क्या मेरे ऊपर हाथ डाल रहा है रे? हाँ तो बोल, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे को बता दूँ कि तू शुरू होने से पहले ही फिसल जाएगा। हाँ। तू एक बार अंदर तो चल, फिर तुझे दिखाते हम चीज क्या है। हाँ सही बोला। इडियट, एक औरत को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नॉनसेंस। एनी टाइम एनी वेयर सिंगल हैंड, किसी औरत को छेड़ोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। एक लड़की को तुम लोग परेशान करोगे तो मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला हूँ, माचिस से जला दूंगा। ए, अगर लड़की को छेड़ोगे तो चुप नहीं रहूंगा, माँ कसम एक एक को काट डालूंगा। हाँ ए, एक लड़की को परेशान कर रहे हो, मैं देख लूंगा तुम लोगों को। सरदार गब्बर सिंह। एक लड़की को इतने सारे छेड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? माँ कसम तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। ए, यहाँ कोई शूटिंग चल रही है क्या? ए, ये खयूम भाई का घर है, यहाँ हम जो बोलेंगे वही होगा। भाई को मिलने आए थे, भाई नहीं है, जाओ। ए, सारे बेशरम लोग। अरे भाई, अरे भाई, आप साड़ी में दिखी तो बस, लग गए सारे के सारे कुत्ते की तरफ। क्यों रे, बहुत ज्यादा माइलेज है तुझमें, पर वो तो बता रही थी तेरे में कुछ भी नहीं है। भाई, थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रबल आ जाता है भाई। मौका मिलता तो मेरा रेप भी कर डालते तुम लोग। सॉरी भाई, आप ही ने तो बोला था पहचानना नहीं। मुंह में दांत ना पेट में आ। ए, राधा कृष्ण पैसे दे दिए ना? वो बोला पैसा नहीं देगा। अरे वो तो आपके नाम से डरता भी नहीं है भाई। फोन लगा उसको। हेलो भाई, खयूम भाई। अरे तू किसका भाई है बे? मजाक अच्छा था, पर खयूम भाई के साथ मजाक करना अच्छा नहीं है। अपनी औकात में रहकर बात कर। ए खयूम, तू सिर्फ मियां बीवी के झगड़े सुलझाने का काम कर, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला। छोटे मोटे दुकानदार को डरा, मुझे मत डरा। फोन मत कर, मर जाएगा, समझा? मेरे पीछे कौन है पता है तुझे? श्याम जी और शिव। पहले इसे नहीं, इसके पीछे जो ताकत है उसे खत्म करना होगा। कार बढ़िया है, कॉस्टली है ना, पर जान से प्यारी तो नहीं है। एक बात जानते हो, हमारे पीछे कोई खड़ा है, उस पर हमें भरोसा है, वो हमारे लिए कुछ भी करेगा, ये मान लेना कॉन्फिडेंस होता है, और उसके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये ओवर कॉन्फिडेंस। भरोसा होना अच्छा है, हिम्मत होना भी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, पर जिद नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी आंखों में अभी भी वो डर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो दिखाई देगा तो उसके बाद बिजनेस की बात कर लेंगे। पितरं च पिता राज्यं पितरस्य पितामहः एताः यजमानस्य। खयूम बोल, उसे खत्म कर दिया। अब तो तेरी समझ में आ गया होगा ना, तूने 1 करोड़ मांगा था, दे दूंगा। सॉरी, अब मुझे तुमसे कुछ और भी लेना होगा। तुमने तो 1 करोड़ ही मांगा था ना? तब तुम्हारे पीछे श्याम और शिव थे, लेकिन अब तेरे सामने मौत बैठी है, दस्तखत कर इस पर। बाँ।
कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने किसी से सुना है। मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। आगे की डिटेल्स कहाँ है? मेरे पास इसकी इतनी डिटेल्स है, आगे की सारी डिटेल हमारे बड़े ऑफिसर के पास है। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? गुंडा है वो, रामायण तो पढ़ नहीं रहा होगा। सही कह रहा है वो, किसी को मारने का प्लान बना रहा होगा वो। ब्रेकिंग न्यूज, एक खतरनाक मौत। आज सुबह बोगुला गुंता के एरिया में एक खतरनाक मौत हुई है। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। सिर्फ प्लान नहीं, ऑलरेडी इंसान को मार चुका है। और ये सब देखकर आसपास के लोगों ने डर के मारे पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब वहां जाकर देखा तो पता चला कि इसके पीछे कोई लैंड डीलिंग का मामला है जो हम सबके सामने आया है। हर एक डील में खय्यूम का नाम सामने आ रहा है, इसलिए खय्यूम के आदमियों ने प्लान बनाकर बीच रास्ते में उसका कत्ल कर दिया। पुलिस इंक्वायरी से ये बात सामने आई है। मेरी बात सुनो। देखो, मेरे पास एक प्लान है। उसके आदमी को पकड़कर अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं, माया का पता चल जाएगा। ए, कौन है तू? कहाँ जा रहा है? इसने तुझको धक्का मारा, इसकी तो। ए, कौन है तू? जहांगीर। एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्या। ए, हट हट, बुलावा भेज देते सर, मैं ही आ जाता। क्या साहब, आपको तकलीफ करनी पड़ी। बोले ना सर, क्या काम है जो आपको आना पड़ा? ये लड़की कहाँ है? खुद पुलिस वाले हो और मुझसे पूछ रहे हो साहब, मैं क्या जानू इसके बारे में? Hey, Rock! Hey! Hey! Maar do use! Hey! Maar! Maar! Maar usko! सीधे से बता लड़की कहाँ है, वरना सारी गोली भेजे में उतार दूंगा। बता। नहीं, नहीं, मत मारो साहब, बताता हूँ, गोवा में है वो। चल मेरे साथ, चल। ए! ए!
इसने बस गोवा बताया, एड्रेस नहीं बताया। माया, आ रहा हूं मैं, तुम्हें लेने आ रहा हूं मैं। तुम सब गधे लोग हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सात बार मिस हुआ है। बच्चे के हाथ में बंदूक देता तो उसने भी अब तक मार दिया होता। सांड बने घूम रहे हो तुम लोग, एक बंदे को नहीं मार सकते। ए, मरने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, पर किसी को जीत में नहीं दे सकता। वो आज किसी की शादी में जा रहा है, अगर आज वो तुम्हारे हाथों से बच गया तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आधे घंटे में उसकी मौत की खबर टीवी पर नजर आनी चाहिए। खयूम। तुम टेंशन मत लो, इन लोगों से नहीं होगा, इस बार मैं खुद जाता हूं, मौत की खबर टीवी पर आएगी। हे कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मुझसे किसी और ने कहा। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। खयूम, मुझे दो दिन की मोहलत दो। शर्म नहीं आती तुझे? इतना कमा कर रखा है, मरने के बाद उसका क्या करेगा? वो सब अपनी कब्र में साथ लेकर जाएगा। बेकार की बात मत करो खयूम, बोला ना दो दिन में भेज दूंगा। अगर तूने नहीं भेजा तो तेरे घर की औरतों और बच्चों के साथ साथ सारे मर्दों को मार डालूंगा। तुम्हारे पैसों के लिए हम अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। शाबाश, याद से लाकर दे देना, तेरे पीछे बड़े लोग हैं, ये सोचकर रुक मत जाना, नहीं तो वो सिर्फ तेरहवीं में पहुंचेंगे। मेरे चाकू को सामने वाले की बैकग्राउंड से मतलब नहीं, उसे सिर्फ बॉडी चाहिए। गुस्सा दिलाएगा तो घुसा दूंगा, पैसा मेरे जीने के लिए नहीं चाहिए, तुझे मौत से बचाने के लिए चाहिए। कल तक अगर तू पैसे भेज देगा तो जिंदा बच जाएगा, और अगर कल निकल गया तो फिर तू पैसे दे ना दे तू मरेगा जरूर। जा। सर, बोल। मुझे नहीं मालूम सर, ये लोग कहाँ गए, कब आएंगे?
कहाँ मिलेंगे? वो लोग घर खाली करके यहाँ से चले गए सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हेलो हर्षिता, जहांगीर के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं गोवा में खयूम के गेस्ट हाउस पर आ गया हूँ। माया मिली क्या? यहाँ कोई नहीं है, सब लोग कल ही चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, जब तक माया नहीं मिल जाती मैं यहीं गोवा में रहूंगा। ठीक है, यू डोंट वरी। एक छोटा सा चांस मिला है, उस खयूम ने कल एक डांस का प्रोग्राम रखा है, उस डांस ग्रुप के साथ मैं भी जाने वाली हूँ। मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगी, माया का पता चलते ही मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगी। बाबा बोला होता मैं खुद ही आ जाता। बाबा देखो खयूम, तुम एक गलत काम कर रहे हो, उस रामचंद्र से दूर रहो, उसे रूलिंग पार्टी की सपोर्ट है। उसे रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर रही है तो मैं रूलर हूँ, आई एम द रूलर। देखो खयूम, वक्त हमेशा साथ नहीं देता, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, तुम अब दुबई जाकर सेटल हो जाओ, वहाँ तुम्हारी हिफाजत होगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बाबा, बस एक डील है और वो डील एक दिन में खत्म हो जाएगा, फिर एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। सुनो खयूम, जान जाने के लिए सिर्फ एक मिनट काफी है, आगे तुम्हारी मर्जी। उसने धमकी दी, 300 करोड़ मैं एक मिनट में दे सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा किया तो हर मिनट मर मर कर जीना होगा। सीएम मेरा अपना है, इतनी पहचान है मेरी, उसके बावजूद मैं गुंडे से डर गया। आप कुछ कीजिए। हेलो अग्रवाल आईएएस, हेलो कौन? मैं अग्रवाल आईएएस बोल रही हूँ। अरे मैडम, पर आपने मुझे क्यों फोन किया? तुमने रामचंद्र जी से 300 करोड़ की मांग की है क्या? हाँ की ना, नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। रामचंद्र जी तुम्हें पैसे देंगे, पर वो पैसे लेने के बाद तुम उन्हें कभी भी परेशान नहीं करोगे। अरे मैडम, अगर वो मुझे दे देगा तो फिर मैं उसे क्यों परेशान करूंगा? ठीक है, ये डील बहुत कॉन्फिडेंशियली हो जानी चाहिए, अगर ये मैटर मीडिया में लीक हो गया तो असेंबली में अपोजिशन पार्टी फायदा उठाएगी, हम सब फंस जाएंगे, इसलिए मैं जहां बुलाऊं वहां अकेले आना। अरे मैडम, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला है क्या? आपके बताए जगह पर मैं क्यों आऊंगा भला? ठीक है, फिर तुम अपनी जगह बता दो, मैं पैसे लेकर वहां आ जाऊंगी। ठीक है, कल सुबह फोन करके बताता हूँ। ए नारायण बाबू, दुबई कैसा है? पूरे घर की सफाई करवा रहे हो? वहां भी मुझे डॉन की तरह ही रहना है। ए लड़की इधर आ। मस्त लग रही है। बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? नाचने गाने के लिए आई है बेचारी। ओके, जाओ मेकअप करो। वैसे उस एसीपी की लवर का क्या हुआ? तुमने मेरे को करीम भाई को हैंडओवर करने को बोल दिया, मैंने कर दिया, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं। तो बैनर्जी को मैं बता दूंगा, दुबई के सेठ को तोहफे में भेजने के लिए बोल दूंगा। हेलो सत्या, मैं अभी अभी डांस ग्रुप के साथ खयूम के बंगले पे पहुंची हूँ, उसने मुझे पास बुलाकर अपने गले लगाया, उसी का फायदा उठाकर मैंने उसकी पीठ पे माइक्रोचिप लगा दी है। तुम जल्दी से उसे ट्रैप करो। अगर तुम्हारी माया गोवा में है तो तुम्हें क्लू मिल जाएगा। वो बहुत डेंजर आदमी है, तुम उससे संभल कर ही रहना। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। पागलों जैसी बातें मत करो, बी केयरफुल। डार्लिंग तेरा फोन।
अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं करीम गोवा से बोल रहा हूँ। बोलो भाई। ये लड़की बहुत ज्यादा सता रही भाई, क्या करूँ मैं इसका? तू क्या करेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता है तू। उसने मुझे ही हाथ नहीं लगाने दिया तो तुझे क्या लगाने देगी। पास मत जाना उसके, बहुत खतरनाक चीज है वो, मार भी सकती है। बैनर्जी को भेज रहा हूँ, उसके हवाले कर देना उसे, बैनर्जी उसे देख लेगा। गोवा, यस। पागल कर दे देसी मेरी अदाएं, दीवानों को पागल कर दे देसी मेरी अदाएं, मेरे देसी जलवों में है जादू देसी मेरी अदाएं।
हेलो खयूम। एसीपी हर्षिता, हम आदमी लोग हथियार से घायल करते हैं तो तुम लड़कियां अपनी खूबसूरती से घायल करती हो। मस्त प्लान बनाया पर क्या फायदा, सब फेल हो गया। सिर्फ एक बार के लिए तुझे अपना बनाना चाहता था पर अब तुझे ऊपर वाले के पास भेजना पड़ा। तूने अयूम भाई के साथ ऐसा क्यों? हेलो, ए वीडियो कॉल ऑन कर। ए खयूम, एसीपी सत्या, अपनी लवर को प्यार तो करता था लेकिन पहली बार देख पाएगा, हैप्पी है ना? बिना देखे उसने तुझसे प्यार किया और तूने उससे प्यार किया और ये पागल ये तुझसे प्यार करती है। ट्रायंगल एकदम फिल्मी स्टोरी है। ए मुझे मारने का मन कर रहा है ना, पर मैं मरने वाला नहीं हूँ, नहीं मरूंगा रे, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है और वो है तुझे मारना। ए, मैं अपने सत्या के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। सुन लिया ना तूने, ये तेरे लिए मरने को भी तैयार है। हर्षिता, जब इसे ही अपनी जान प्यारी नहीं तो हमें क्या भाई? ए खयूम, नहीं, नहीं। हर्षिता, हर्षिता, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने किसी से सुना है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, ये मैंने किसी से सुना है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, अकेले बुलाया था ना? ये मेरे गनमैन है, आपकी नियत भले बिगड़ जाए पर मैं वादा नहीं तोड़ता। इसीलिए तुमने इतने लोगों को मारा? उन सब से वादा किया था मैंने उन्हें मार दूंगा तो मार दिया। आइए। सोचा नहीं था, एक बार भी शक नहीं हुआ मुझे, पैसा बड़ा अमाउंट था ना, दूसरी और कोई बात नहीं सोची, खयूम से डरने वालों को ही देखा, पर तेरी तरह सीना तान के खड़े रहने वाला मिलेगा ऐसी छोटी बात इग्नोर कर दी, क्योंकि आज ये डील क्लोज करके कल दुबई जाना है ना, खत्म, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, और एक तू है, मुझे देखकर डरता क्यों नहीं रहे तू? ए,
शायद तू भूल गया कि मैं पुलिस हूँ। सत्य धर्म न्याय को मैं साथ लेके चलता हूँ। तूने कभी शेर को डरते हुए देखा है पागल? अगर वो एक बार शिकार करने के बारे में ठान ले तो वो पीछे नहीं हटता। उस दिन मैंने बोला था दोबारा अगर तू मेरे सामने आया तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। एसीपी साहब, कितना कुछ किया है, कितने ही एसीपी से मिला होऊंगा। सत्य धर्म इंसाफ शेर की बात कर रहा है ना, तो फिर एक नामर्द की तरह एक औरत का सहारा लेकर छुपकर मुझे मारने कैसे आ गया? कैसा पुलिस वाला है? यस, मैं पुलिस वाला हूँ, इसीलिए तो अब तक जिंदा है, यहाँ तक आ पहुँचा है। और अगर मेरे शरीर पर ये वर्दी ना होती तो हर्षिता की मौत के दूसरे ही दिन तुझे मारकर फेंक दिया होता। और तू मुझे मारना चाहता है ना, तो आगे बढ़। मुझे पुलिस वाले बड़े अच्छे लगते हैं। पूछो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मेरे सारे धंधे पुलिस वालों के सपोर्ट से ही चलते हैं। मैं पुलिस पर हाथ नहीं उठाता। आ, 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 मार मुझे। आजा 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 रे, मार। आजा। कयूम को जिसने धोखा दिया तो समझो उसने मौका खो दिया। क्या बोला रे? मौका नहीं मिलेगा पुलिस, अब तेरे को मौका नहीं मिलेगा। छोड़ दो मुझे साहब, नहीं साहब मत मारो मुझे, नहीं साहब मुझे छोड़ दो, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा साहब, प्लीज एसीपी साहब मुझे। ठीक है, तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। आज तक तूने जो कुछ भी किया है वो डायरी में लिख के साइन करके दे। करूंगा साहब, मुझे छोड़ दीजिए, आप जो कहिएगा मैं करूंगा साहब। लिख, नहीं तो यही गोली मार दूंगा। लिख, लिखता हूँ साहब, लिखता हूँ, लिखता हूँ साहब, मुझे मारना मत साहब, लिखता लिख रहा हूँ।
जैसे आत्मा शरीर बदलती है वैसे ही गलत चीजें अपना रूप बदलती हैं। इसका कोई अंत नहीं, पहले लादेन, फिर वीरप्पन और अब खयूम, आगे और कोई। परित्राणाय साधु नाम श्लोक हमने सुना है। पृथ्वी पर हो रहे अन्याय और गलत कामों को खत्म करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही भगवान है। अगर हम कोई गलत काम ना करें और गलत काम करने वालों को अपने स्वार्थ के लिए उनकी तरफदारी करना छोड़ दें तो गलत हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की मनुष्यों के लिए, राक्षसों की कोई जगह नहीं। हम इंसान हैं, इंसानों की तरह ही जिएंगे, इंसानियत को बढ़ावा देंगे और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे।